नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं हूं आपके साथ में चरण सिंह डागोर। तो आज जो मध्यरात्रि को बयानियापाड़ा में अचानक पेट्रोल पोस्ट टूटने से 4 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए और उनके माता पिता, और अभी वो क्या है, जयपुर पहले रात सुबह अस्पताल में ले गए, उसके बाद में जयपुर रेफर कर दिए। तो मैं उनके घर का हाल बता सकता हूँ आपको, लाइव के माध्यम से देख सकते हैं आप। इतनी बुरी तरह, अरे उनके नंबर दे दो, नंबर दो हीरो लो, मैं से आपका नंबर हीरो, मैं दिखा सकता हूँ। इस घर में वो बच्चे थे और उनके पूरा फैमिली थी। क्या हालत हुई होगी उस टाइम पे आप देख सकते हैं लाइव माध्यम के, लाइव के जरिए देखिए कितनी बुरी तरह उनको फिर कैसे निकाला होगा मददगारों ने। और पूरे क्षतिग्रस्त हो गई है पेट्रोल। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कितनी बुरी तरह से टूटी है, और आपको दिखा रहा हूँ। और मैं किसी का एक वर्जन भी लूँगा, भाइयों का, और वो बताएंगे यहाँ के हाल। ये कितने बजे की घटना है सर, आप बता सकते हैं क्या कितने बजे की घटना है? और अच्छा अच्छा हाँ, तो मैं अभी आप बताओगे, कौन बताएगा कि कितने क्या, ये कितने बजे की घटना है आप बता सकते हैं क्या है? हाँ बताइए आप। चूड़े का काम कर रहे थे, चूड़े का, अच्छा बच्चे बैठे, अच्छा मैं यहाँ बैठी थी, बिल्कुल बैठी थी, एकदम से आवाज आई गड़ा गड़ा, देखा था पटोर गिर गई है। अच्छा बच्चे अंदर ही थे? बच्चे अंदर ही है, बीवी भी अंदर ही है, उसका हस्बैंड भी अंदर ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। सब अच्छे भीतर ही सो रहे। अच्छा और एकदम से गिरिएगा, तो हमने देखा कि पटोर गिर गई है। जब मैं बाहर निकली हूँ, काम छोड़ा बाहर भागे, पटोर तो, पे कोई चीज गिरी है? नहीं, कुछ ही नहीं। अच्छा कुछ भी नहीं था, न बंदा न कुत्ता, कुछ भी नहीं था। फिर मैं बाहर भागी, बाहर बुला के लेकर आई, हल्ला मचाया, जब लोग आए जब वो निकाले। तो अब फिर हॉस्पिटल में कितने बजे लेके गए थे आप? अच्छा अच्छा 12:30 बज रहे होंगे या 1 बज रहा होगा। तो आप लेके फिर वहाँ से फिर रेफर कर दिया जयपुर के लिए। तो उनकी हालत बहुत नाजुक है ना? हाँ सीरियस है, बहुत बता रहे हैं कि इनकी बहुत, बच्चों की हालत भी सीरियस है। तो मैं आपको और जो फट गया ना, अच्छा निकल गया था। अच्छा पित की थैली वगैरह ऐसा कुछ बता ना, निकल गई ऐसी, हाँ पता नहीं ऐसे देखा नहीं गया, और एक प्लेट में फट गया था। और तो ये मैं लैब के माध्यम से आपसे बात हुई, और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो लोग अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, अभी इनको जैसे ही मालूम पड़ी है तो सब लोग देखने भी आए इनके घर की हालत। और रात को भी बेचारे लोग जितने भी हैं मदद करने आए थे, हाँ सब लोगों ने, और हर कोई करता ही है। तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ, और राजस्थान सरकार से, और हमारे जो भी इस चीज में रुचि रखते हैं तो इनकी मदद करें। और प्रशासन से आप क्या मांग रख सकते हैं बताइए, आप इनके लिए क्या मदद होनी चाहिए? हाँ बताइए आप। बहुत गरीब आदमी है। अच्छा स्थिति इनकी बहुत गरीब है, बहुत गरीब स्थिति है। हाँ पहले तो भगवान से, ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हाँ। और मदद के लिए, और हम भी और आग्रह करेंगे, और इनसे जैसे मदद होगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी कोई मदद चाहेंगे, और इनका अकाउंट वगैरह जो भी लेके, और उनके लिए मदद के लिए हम भी अपील करेंगे। तो पहले प्रशासन से यही मांग कर सकते हैं कि इनके पहले तो बाल बच्चे सही हों बेचारे उनके, और इनके स्वस्थ हों। अच्छा है, सुबह तो शाम को नहीं है बेचारे खाने को, शाम को तो आजकल इतनी गरीबी हालत है, जभी तो पेट्रोल में रह रहे हैं। सभी के जितने पैसे वाले होते तो यदि मकान होता है इनके पास, ऐसी ये हालत नहीं होती, किराए से रह रहे हैं ये, बताओ।
किराए से रह रहे? अच्छा अच्छा किराए से रह रहे। अच्छा 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 काम कर रहे हैं। तो मैं दिखा सकता हूँ इनको कि जिनका जो काम है हिंडौन में क्या चूड़े का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा व्यापार है, पर ये लोग अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना खाना और पीना करने के लिए ये अपना इस बिजनेस में है। और इसमें भी देख सकते हैं आप, ये भी पटोल है। तो अब ये गरीबी क्या नहीं करवा सकती आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो गरीबी का कोई अच्छा मजदूरी है, मजदूर कर मजदूरी के लिए करते हैं ये। अच्छा माल लाते होंगे, ये किसी से माल लाते होंगे? हाँ हाँ ढकेल चलाते हैं वो। अच्छा 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 सुबह कमा लेंगे शाम को खा लेंगे, अगर नहीं कमा तो भूखे सोना पड़ेगा इनकी। बिल्कुल बिल्कुल खराब है सभी। एक जने का मकान है ये पूरा। अच्छा अच्छा दुकान पीछे की। हाँ हाँ उधर दुकान सब एक जने सब किराए से देते हैं। किराए हैं ये सब किराए से मैं दिखा रहा हूँ आपको तस्वीरों के माध्यम से। सभी लोग जितने आस पड़ोस के दूर दूर के भी लोग देखने आए हैं कि क्या हालत हुई है इस पटोल की। और मैं तो अचंबा भी कर रहा हूँ कि कैसे कैसे लोगों ने मदद की होगी, क्योंकि इतना बहुत इसमें दिखा सकता हूँ फिर से आपको लाइव के माध्यम से। ये देसी भाषा में बोलते हैं इसको पटिया। पटिया में भी काफ़ी वेट होता है ना। और इनका खाने पीने का जो सामान है, बेड है, ये बेड है और ये फ्रीज है। इसमें खाने पीने का, इसमें देख सकते हैं पानी है और ये अपना टमाटर वगैरह सारी चीज़ रखे हैं। तो क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हो। और मैं दिखा रहा हूँ है ना। और ये बहुत पुरानी बता रहे हैं पटोल को। अब ये टूटी कैसे ये तो ऊपर वाला ही जानता है। और ये भी देखो ये बिल्कुल बाजू है इसका, ये रखा है और ये भी गिर सकता है। तो मैं भी इसमें से निकलूं क्योंकि डर तो लगता ही है। और मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा लाइव के माध्यम से। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।